हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है ए बी सी इज ए ट्रेंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है उसने बी ए और सी एफ बी ई और सी एफ को ऑलरेडी इक्वल दे दिया प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इनको इक्वल प्रूव किया था अब यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल गिवन है तो उसकी हेल्प से शो दैटल ए बी ई कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है ए सी एफ के ए बी ई ए सी एफ के हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में ए बी इक्वल टू ए सी ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करनी है और ए बी सी को आईसो स्लैस ट्रेंगल बताना है अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी ए बी सी एक के आईसो ट्रेंगल तो सबसे पहले लिखेंगे गीवन थ्योरम में फर्स्ट स्टेप यही होता है गीवन क्या है बीई इक्वल टू सी एफ गिवन है बी ई जो है सी एफ के इक्वल गिवन है क्लियर है उसके बाद टू प्रू टू प्रू में क्या है ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है ट्रेंगल ए सी एफ के तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही प्रूव करेंगे अब इन दो ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो यही ट्रेंगल हम लेके चलते हैं इन ट्रेंगल ए बी ई एन ट्रेंगल ए सी एफ इनके अंदर देखो बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन है बी ई इक्वल टू सी एफ क्या लिख देंगे इसको गिवन एक बार ट्रेंगल्स को कलर से मार्क कर लेते हैं अच्छे से विजिबल हो जाएगी ग्रीन वाली ट्रेंगल को रेड वाली ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो यहां पे देखो बी ए इक्वल टू सी एफ जो ई है सी एफ के इक्वल है गीवन है हमें उसके बाद बात करेंगे एंगल बी ए बी ए वाला एंगल देखो ग्रीन वाली के अंदर भी आ रहा है रेड वाली के अंदर भी तो बी ए ई इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा सी ए बी के एंगल सी ए बी लिख लो या सी एफ भी लिख सकते हो ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे एंगल बीई ए बीई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल सी एफ ए के 90 डिग्री है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है ग्रीन वाली ट्रेंगल में ये एंगल रेड वाली में ये एंगल 90 डिग्री है तो देखो अब दो एंगल और एक साइड से क्या होगी दोनों ट्रेंगल्स को तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सो so, ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रेंगल ए सी एफ के बाय एंगल साइड एंगल से मीन्स टू एंगल और एक साइड इक्वल हो गई तो दोनों के दोनों ट्रेंगल्स क्या कर दिए हमने प्रूव कर दी इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी इसी बेसिस पे हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं ए बी इक्वल टू ए सी ab जो साइड है ग्रीन वाली ट्रेंगल का पार्ट है ac जो है रेड वाली ट्रेंगल का पार्ट है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सेकंड पार्ट में ab इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया ac बाय cpct कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। मींस ग्रीन और रेड कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कॉरेस्पोंडिंग साइड भी क्या होंगी इक्वल तो ये आ गया हमारा ab इक्वल टू ac सो ट्रायंगल abc इज आईसो सलेस ट्रेंड प्रूव आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई डाउट नहीं होगा कोई भी थ्योर में किसी प्रकार का भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बट मैं आपको यहां पर एक छोटी सी सुजेशन देना चाहूंगा पहले सिक्स चैप्टर कीजिए फिर सेवन फिर एट फिर नाइन क्योंकि आप उसमें रिलेटेड चैप्टर है इसीलिए ऑर्डर में भी गिवन है क्योंकि एक का जो कंसेप्ट है वो दूसरे में यूज होता जाता है और इंट्रोडक्शन पार्ट को तो आप बिल्कुल मत छोड़ना जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो अच्छे से क्लियर करके देन आप क्वेश्चन कीजिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की क्वेश्चन नंबर फाइव की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आईसो स्लैश ट्रेंगल ए बी सी और डी बी डी बी सी ये और ये दोनों आईसो स्लैश गिवन है विद द सेम बेस बी सी जिसका बेस क्या है सेम बी सी है शो दैट एंगल ए बी डी ए बी डी ये एंगल ए सी डी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या है ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसो स्लैस एंगल लिख दिया हमने उसके बाद क्या करना है टू प्रूव एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के इक्वल प्रू करना है मतलब ये एंगल और इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है अब चलो देखो प्रूव करने से पहले थोड़ा सा माइंड लगाओ कि हम इन एंगल को कैसे प्रूव कर सकते हैं कैसे बनेगा ये एंगल जब ये एंगल और ये एंगल ये और ये ऐड हो जाए तभी तो ये एंगल आए, आएगा हमारा सिमिलरली ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल ये और ये ऐड हो जाए तब ये एंगल आएगा तो कुछ ना कुछ ऐड तो करना पड़ेगा हमें आपस में तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे ध्यान से देखो एन ट्रैंगल ए बी सी ए बी सी ट्रेंगल है ऐसो सेलेस ट्रैंगल है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें ए बी इक्वल टू ए सी इन एंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है अब देखो ये और ये साइड गिवन है इक्वल तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे या नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके होगा एंगल ए सी बी के इसके सामने वाला एंगल ये ए सी बी और इसके सामने वाला एंगल ये ए बी सी ये दोनों इक्वल होंगे बिल्कुल होंगे कोई डाउट नहीं होगा अब इसको क्या लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रेंगल बी डी सी बी डी सी इस ट्रेंगल के अंदर हमारी जो साइड गिवन है बी डी इक्वल टू सी डी है तो बी डी इक्वल टू क्या लिख देंगे सी डी मीन्स ये और ये साइड इक्वल गिवन है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे हमारा बिल्कुल होंगे ना तो देखो इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है हमारा डी बी सी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एंगल डी बी सी इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल कौन सा है बी सी डी एंगल बी सी डी सेम रीजन आ जाएगा यही वाला रीजन हमारा लिख देंगे दोबारा ये इक्वेशन नंबर मान ली फर्स्ट ये मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड अब मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट एंगल हमारा ऐड करने से आएगा करना क्या है एंगल फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली को ऐड कर दो तो यहां पे क्या लिख देंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे क्या था एंगल ए बी सी प्लस में एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस में एंगल बी सी डी तो देखो ए बी सी में डी बी सी एड कर दिया ए बी सी में डी बी सी ये नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड कर दिया तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा ए बी डी तो ये क्या आ गया एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी बी ए सी बी में डीसी बी एड कर दिया ये और ये एंगल तो ये क्या बन जाएगा हमारा एंगल ए सी डी बन जाएगा यही तो हमने प्रूव करना था देखो टू प्रूव में तो यहां पे क्या लिख देंगे हैंड से बिल्कुल ही जी था क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा इससे अच्छा तो कोई आई थिंक समझा नहीं सकता अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए आपको चैनल कैसा लगता है और अपने क्लासमेट्स को अपने स्कूल के अंदर नेक्स्टा क्लासेज को जरूर शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल थैंक्स